से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। लोकसभा उपचुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, रामपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी ने बढ़त बनाई है। रामपुर में घनश्याम सिंह लोधी 16,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। और अब उत्तर प्रदेश की दूसरी लोकसभा उपचुनाव की स्थिति भी आपको बता दें, आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव, निरहुआ में कांटे की टक्कर है। निरहुआ 2,400 वोटों से फिर से आगे चल रहे हैं। आजमगढ़ और रामपुर दोनों जगहों पर इस वक्त उपचुनाव हो रहा है। आपको बता दें कि रामपुर में आजम खान के सीट छोड़ने के बाद और आजमगढ़ में अखिलेश यादव की सीट छोड़ने के बाद यहां पर उपचुनाव हो रहा है। लेकिन इन दोनों ही सीटों पर इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है। तुषार मेरे सहयोगी इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से जुड़ गए। तुषार, क्या स्थिति है? बिल्कुल, देखिए 7,000 वोट से निरहुआ आगे चल रहे हैं। नेट टू नेट एकदम लगातार फाइट यहां पे चल रही है। कभी धर्मेंद्र यादव ऊपर जा रहे हैं तो कभी निरहुआ ऊपर जा रहे हैं। अगर आपको मैं बताऊं तो गुड्डू जमाली ने बीच में जिस तरह से प्रदर्शन किया उससे पूरी लड़ाई आजमगढ़ की काफी दिलचस्प बना दी है, क्योंकि गुड्डू जमाली से इतनी उम्मीद नहीं थी जितना कि वोट, वो 1,00,000 से भी अधिक वोट गुड्डू जमाली पा चुके हैं। और गुड्डू जमाली का इतना ज्यादा वोट पाना कहीं ना कहीं निरहुआ को ही फायदा होता हुआ दिख रहा है। अब निरहुआ 7,000 से भी अधिक वोटों से भी अधिक चल रहे हैं और दूसरे नंबर पे है धर्मेंद्र यादव। हालांकि जो ऊपर जो मार्जिन है वो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर जब रिजल्ट आएगा तो भी ये देखने वाली बात होगी कितना मार्जिन आता है। लेकिन जिस हिसाब से नेट टू नेट फाइट चल रही है उस हिसाब से ये जरूर माना जा रहा है कि जीत और हार के बीच का जो मार्जिन होगा वो बेहद ही कम होगा। अब देखिए क्या कुछ देर बाद जो है वो रिजल्ट भी अभी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। हालांकि 7 राउंड की जो काउंटिंग है वो पूरी की जा चुकी है। निरहुआ हो, धर्मेंद्र यादव हो या फिर गुड्डू जमाली हो, तीनों के बीच कांटे की टक्कर है और आजमगढ़ की जो लड़ाई है वो काफी दिलचस्प होती हुई दिख रही है। कुछ समय पहले अगर मैं बात करूं 5वें राउंड की, तो 5वें राउंड पे 150 वोट से धर्मेंद्र यादव आगे चल रहे थे, 6ठे राउंड पे 3,000 वोट से निरहुआ आगे चल रहे थे, अब फिर 7वें राउंड में देखिए तो 7,000 वोट से निरहुआ आगे चल रहे हैं। मतलब लगातार जो अंतर है, जो मार्जिन है हार और जीत का, वो अब बढ़ता जा रहा है। 150 से 3,000, 3,000 से 6,600, फिर अब 7,000 ये मार्जिन हो गया है। कुछ ही देर बाद रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। मैं खुद इस वक्त आजमगढ़ इस काउंटिंग स्थल पर मौजूद हूं और यहां पे लगातार काउंटिंग की जो है वो अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि कौन कितना पा रहा है। इसमें हम 12,000 से जीत रहे हैं जी। अब ये एकदम कहां से फिगर आ गई है ये हमें नहीं पता। तो डिक्लेरेशन हुआ है? अभी तक तो नहीं हुआ। तो ये बीजेपी वालों को कहां से पता चला? यही सवाल मेरा आपसे, प्रत्याशी के तौर पर आपने यहां के अधिकारियों से, डीएम से या बाकी तमाम लोगों से बातचीत की कि आखिर कैसे चर्चाएं होने लगी कि यहां से बीजेपी की बड़ी जीत हो गई? तो यही तो साजिश थी जो वहां हुई थी, यहां होने की तैयारी है। सर, आपको लगता है कि यहाँ की जनता ने इस मौके पर जब आजम खान जी लगातार इतने समय तक जेल में रहे, लगातार उन्होंने चुनाव प्रचार किया, आप लड़े, ऐसा हो सकता है, संभव है कि इतनी बड़ी जीत बीजेपी यहाँ हासिल कर ले? नहीं नहीं, वो तो ऐसा है कि देखिए वो वोट उन्होंने पढ़ने ही नहीं दिया। 23 तारीख का जो तांडव है जी, 3 विधानसभा क्षेत्रों को जो मुस्लिम बहुल्य थी और समाजवादी समर्थक थे उनका वोट पढ़ने ही नहीं दिया, नगर रामपुर, सौ टांडा और चमरभा जी, और उसमें भी खास तरीके से मुस्लिम बस्तियों में जी। एक एक बूथ पे अगर 600 वोट थे तो किसी पे 2 पड़े हैं, किसी पे 4 पड़े हैं। ये हालात बना दिए थे, पुलिस ने बूथ कैप्चरिंग कर ली थी। सर, बताया गया कि सीएम योगी ने इस सीट को अपनी प्रेस्टेज बना लिया, यहाँ से किसी भी कीमत पर जीत लेंगे और वही दिखता नजर आ रहा है। तो अगर ऐसा कोई बना लिया था तो उसी का तो तांडव था जो 23 जून को यहाँ हुआ। प्रशासन ने आपके साथ किया? प्रशासन ने पूरे रामपुर के साथ किया भाई। सर, अगर आप जब निर्णय आ जाएगा उसके बाद आप डीएम से बात करेंगे, आखिर पहले से कैसे लोग अंदाजा लगाने लगे कि जीत गई बीजेपी 30,000? देखेंगे, अब आप देख लिए ना क्या हो रहा है जी, क्या हो रहा है, कोई डिक्लेरेशन हुआ है? 20वें राउंड की फिगर मेरे पास है, ये कहां से खबरें आ गई कि बीजेपी जीत गई और इतने वोटों से जीत गई? नारेबाजी भी हो रही है, नारेबाजी भी हो रही, किसने इन्हें बताया, कहां से खबर आई, ये फिगर कैसे फिक्स हो गई, ये तो खुद मतगणना पे सवाल लग गए। अभी तक आप क्या उम्मीद करते हैं? अभी भी आपको लगता है कि आपकी जीत हो सकती है? हम तो इस आशा में, हमारे पास 20वें राउंड में हम जीते हुए। अच्छा, आपके पास सिर्फ अभी 20वें राउंड तक की इन्फॉर्मेशन अधिकारियों के पास नहीं है? एनआईसी जो बनाई है जहाँ टेबुलेशन हो रहा है उसकी फिगर है ये, अभी 10 मिनट पहले की जी उसकी फिगर है ये। आप क्या मानते हैं, अगर आपकी जीत, आपकी हार होती तो जनता ने आखिर किस आधार पर रामपुर में वोट किया? नहीं नहीं, ये हार जनता की नहीं, बेमानी है। अगर ऐसा होता ही बात
तो ये तो जैसे 23 जून को हुआ वही 26 जून को हुआ। सर अखिलेश जी आपके चुनाव प्रचार में नहीं आए, मानते हैं कि थोड़ी सी कमी, ये एक अलग मैटर है, कोई कमी नहीं, ये अलग मैटर है, ये अलग मैटर। तो ये हमारे साथ असीम रजा जी थे जिन्होंने साफ तौर पर ये कहा है असीम रजा का कि हमने अभी तक हमें आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, किसी को जानकारी नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी लगातार बीजेपी के जो लोग यहां थे वो नारेबाजी करने लगे, ऐलान हो गया एक तरीके से, कैसे इन्फॉर्मेशन बाहर आ गई कि बीजेपी यहां जीत चुकी है, जबकि मेरे पास अभी तक सिर्फ 20 राउंड की इन्फॉर्मेशन आई है। ये सवाल खड़े करते हैं और उनका यह भी साफ तौर पर कहना है कि 23 जून को जब मतदान हुआ और जिस तरीके से उस दिन पुलिस प्रशासन ने यहां तांडव किया, उसी दिन यह तय हो गया था कि निश्चित तौर पर यहां वोटों को लेकर एक लड़ाई होगी। प्रशासन ने सिर्फ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जोर अजमाइश की, बल्कि उन्हें वोट भी नहीं डालने दिया गया और सीएम योगी ने इस सीट को अपनी प्रेस्टेज बना लिया था। कैमरा पर्सन रंजन के साथ शिवम प्रताप, रामपुर। और इस बीच अहम खबर आ रही है, आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव निरहुआ में कांटे की टक्कर है जबरदस्त तरीके से, निरहुआ 1900 वोटों से आगे चल रहे हैं। कुल मिलाकर के अगर रिजल्ट समाजवादी पार्टी के पक्ष में नहीं होता है तो गुड्डू जमाली ने समझिए कि खेल खराब कर दिया समाजवादी पार्टी का। रामपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है, घनश्याम सिंह लोधी 19,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं, जबकि आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव और दिनेश लाल यादव के बीच जबरदस्त कांटे की टक्कर चल रही है। जो आंकड़ा है वो 1900 के आसपास का है और